नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th ऑफ जुलाई 2023। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे करेंट अफेयर्स के सेशन यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों, सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड रहेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट है आरआरबी पीओ को सीख कर रहा है, सेप्टेम्बर में होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए सारी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, हम कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आप हमें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो जो नए जुड़े हैं, जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहली न्यूज की, जो कि आ चुकी है दोस्तों, जिसके साथ हम डिटेल और एमसीक्यू दोनों डिस्कस करेंगे। तो इंडिया डबल्स इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स बिटवीन 2005 एंड 22, सेड वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो इंडिया का ट्रेड है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेकर बात करें यहाँ पर, तो काफी एक अच्छा उछाल उसमें देखने को मिला है। और वहां पर अपना जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर है, वो भी यहाँ पर डबल हो चुका है अकॉर्डिंग टू 2005 एज वी कंपेयर 2022। राइट, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, जिसे क्या बोला जाता है, आईबीआरडी भी बोला जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं तो एग्जाम में अगर आईबीआरडी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक रिकंसिलेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। राइट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय आईबीआरडी और एज वी कैन से वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। 2005 में करीबन 2% था, तो वही 2022 की बात करें तो 4.4% यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डबल से भी ज्यादा यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट्स का जो रेशियो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एफडीआई सर्विसेज हैं उसे भी फैसिलिटेट किया गया है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी अच्छा उछाल एफडीआई सर्विसेज में भी देखने को मिला है। आगे इस वीडियो में हम डेफिनेटली जानेंगे कि एफडीआई एफपीओ में क्या डिफरेंस है और यहाँ पर एफडीआई किस परसेंट और किस कंट्री से सबसे ज्यादा इंडिया में की जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो विच कंट्री हैज एक्सपेक्टेड अ डबलिंग ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 2% इन 2005 टू 4.4% इन 2022, तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। राइट, तो यहाँ पर भारत के लिए जो एक्सपोर्ट्स का रेशियो रहा है कमर्शियल सर्विसेज का, वो डबल रहा है 2005 से लेकर 2022 की बात अगर मैं करूँ तो, ठीक है। तो काफी अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट नंबर नंबर टू के ऊपर हम चलेंगे यहाँ पर। तो रिसेंटली सीआईएमएस, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मैनेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, और जो सीआईएमएस है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस रहेगा, उसे एक बूस्ट यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो पूरी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं कि क्या रिजर्व बैंक ने चेंजेस किए हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम में और इससे क्या हमें फायदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है सीआईएमएस। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद करेंगे, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में गूगली क्वेश्चन में फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, ठीक है ना, तो कोई न्यूज पूछता है ना डिटेलिंग पूछता है, पूछता क्या है, फुल फॉर्म पूछ कर बैठ जाता है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीओ का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। आईपीओ क्या होता है क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म। तो यहाँ पर फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रहता है। टू रेवोल्यूशनाइज इट्स डेटा हैंडलिंग एनालिसिस एंड गवर्नेंस, द सिस्टम लिवरेजेस एडवांस टेक्नोलॉजी टू मैनेज द बिग डेटा, इनेबलिंग पावरफुल डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो डेटा रिकॉर्ड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी तरीके के डेटा रिकॉर्ड करता है कंट्री में, तो उन डेटाज को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, उन डेटाज को बूस्ट करने के लिए और उसे और ज्यादा इजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए यहाँ पर सीआईएमएस का उपयोग किया जाएगा, ये कहना है। और लॉन्च किया है, इसे अनाउंस किया है श्री शक्तिकांता दास, जो कि हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं, ठीक है। तो 25th पोजीशन पर ये हमारे गवर्नर है रिसेंट, और 17th स्टैटिस्टिक डे कॉन्फ्रेंस, जो आपको पता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम मनाते हैं मुंबई में, यहाँ पर इन्होंने ये ऐलान किया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा और आपके एग्जाम के लिए। राइट,
अच्छा एक चीज और मैं इसके बारे में बता दूं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, तो CIMS जो है वो एडवांस डेटा वेयरहाउस रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि डेटा फ्लो मैनेजमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रिपोर्टिंग होती है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है बैंक्स, उनको और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को ग्रेजुअली एक्सपेंड करने के लिए डेटा काम आएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ये जो एक्सेस टू डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले तो रेगुलर एंटिटीज के लिए पास रहेगा, मतलब हमारे लिए ये अभी तक अवेलेबल नहीं है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाए, बट अभी तक तो सिर्फ इसे कुछ डिप्लोमैट्स ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो डेटा है वो पब्लिक गुड के लिए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि इंक्रीज करेगा आपका पब्लिक डोमेन, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिसमिनेशन है मीटिंग की उनको भी यहाँ पर क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्टैट्स न्यूज भी लेकर चलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स तो कैलकटा रहा, लेकिन अभी रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितने मेंबर्स कमेटी होती है, तो 7 मेंबर्स की कमेटी होती है यहाँ पर, सॉरी 21 मेंबर्स की कमेटी होती है यहाँ पर, है ना। 4 इसके डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, और रिसेंटली एक गवर्नर इसका चेंज हुआ था। ठीक है, तो महेश कुमार जैन जी को हटाकर यहाँ पर नए आए हैं, जिनका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ये मैंने आपको अपने सेशंस में पढ़ाया है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टू हैंडल बिग डेटा एंड फैसिलिटेट डेटा एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की, एक रिपोर्ट और इंडेसेस है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल कंट्री के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स निकला है। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, उसमें आइसलैंड टॉप मोस्ट कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री यहाँ पर निकल कर आई है। राइट, 17th एडिशन है ये इस रिपोर्ट का, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो पूरा 163 कंट्रीज में से इंडिया जो है वो आपका 126 पोजीशन पर यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, आइसलैंड है, जो कि लास्ट टाइम भी थी और इस साल भी इसने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो मेंटेन रखा। राइट, उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर आती है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आती है आयरलैंड, चौथे नंबर पर आती है न्यूजीलैंड, पांचवें पर आती है ऑस्ट्रिया, सिक्स्थ पर आती है सिंगापुर, सेवेंथ पर आती है पोर्चुगल, एट्थ पर आती है स्लोवेनिया, नाइन्थ पर आती है जापान, और टेंथ पर आती है स्विट्जरलैंड। राइट, तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बता दी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगी 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। राइट, बहुत आपको इंपॉर्टेंट रहेगा रिपोर्ट और इंडेसेस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। राइट, उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो आपका रिपोर्ट और इंडेसेस का सेगमेंट है उसके लेकर हमें एक रिविजन सीरीज लेकर आएंगे जून मंथ की, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी सेप्टेम्बर मंथ के लिए। राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर अभी रिसेंटली जितनी भी इनॉग्रेशन हुई हैं जून में, उन सभी की एक वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दी है चैनल पर, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप अपने इनॉग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का करेंट अफेयर्स छूट गया जून मंथ का, तो वो सेपरेट बेसिस पर भी अपने करेंट अफेयर्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो विच कंट्री हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस 2008, तो दैट इज आइसलैंड। राइट, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम बिगेस्ट MFI मार्केट इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे बड़ा स्टेट बना है बिहार MFI मार्केट का इंडिया में। ठीक है, माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स इन इंडिया, तो बेसिकली क्या है, बिहार इज ओवरटेकन तमिलनाडु फॉर द MFI इंडिया। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स जो होती है इंडिया में, ठीक है, उनको अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट कर रहा है बिहार, पहले तमिलनाडु था लेकिन अब बिहार। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिर्फ हाईमार्क हाईलाइटेड बिहार इंप्रेसिव ग्रोथ विद अ
13.5% increase in the gross lending portfolio during March quarter compared to previous quarter, right? तो यहाँ पर कौन सा स्टेट हो जाएगा भाई? बिहार। अब बिहार की स्टैटिस्टिक्स बिना पढ़े हम आगे जा ही नहीं सकते। बिहार के सीएम कौन हो जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, राजेंद्र अलेकर। उसके बाद बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई? पटना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। विच स्टेट हैज सरपास तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स एज मार्च ऑफ 2023, दैट इज बिहार, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले एक चीज मैं इसमें और आप लोगों को बता दूं कि टॉप टेन माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स कौन कौन से स्टेट में होती है। तो टॉप टेन कौन से स्टेट्स हैं? तो सबसे पहले तो बिहार आ जाता है, दूसरा आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और केरला। तो ये टॉप टेन चार्ट है पूरा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इतना डेप्थ में पूछना नहीं चाहिए, बट अगर पूछ लेता है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, जो कि हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। पिरामल फाइनेंस लॉन्चेस 5 ऑल वेमेन ब्रांचेस, क्या है ये, इसके बारे में पूरी हम जानते हैं। तो पिरामल फाइनेंस जो है, इन्होंने ऑल वेमेन, ठीक है, ऑल वेमेन ब्रांच यहाँ पर खोली है। न्यूज क्या है? पिरामल फाइनेंस, अ लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट टूवर्ड्स एम्पावरिंग वेमेन बाय ओपनिंग ऑल वेमेन ब्रांच इन मैत्रे इन त्रिपुंतुरा एरिया ऑफ कोची। This strategic expansion initiate aims to cater the unique needs of female customers and tap into a growing market potential. With plans to open branches in Jaipur, Mumbai, Mohali, New Delhi, Piramal Finance is reinforcing its commitment providing financial services to women across India. दोस्तों, women's को help करना, मान लीजिए कोई women अगर entrepreneur बनना चाह रही है, कोई कुछ अपना business start करना चाह रही है, कोई कुछ छोटी मोटी चीजें start करना चाह रही है, उनको fund provide करना। बेसिकली है क्या, फाइनेंस कंपनी तो है तो लोन वोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल वेमेन ब्रांच कोची में पहली दफा खोला गया है, जिसका नाम है मैत्रेयी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो नेशन वाइड एक्सपेंशन का जो व्यू है, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी पिरामल फाइनेंस की जो नेटवर्क है केरला में, करीबन इनकी 18 टोटल ब्रांचेज हैं, ठीक है, और यहाँ पर 500 से ज्यादा ब्रांचेज इनकी ऑल ओवर इंडिया है, और 1000 लोकेशन पर इनकी क्या हो जाएगी, जो वाइड इनका जो व्यू है, 1000 ब्रांचेस ही खोलने वाले हैं पूरे इंडिया में। अभी इनकी फिलहाल सिर्फ कितनी है, 500 की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अभी पिरामल फाइनेंस का काफी सक्सेसफुल लॉन्च है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्रांच खोली गई है, जो बिल्कुल ऑल वेमेन ब्रांच है, उसमें 7 से 15 वेमेन एम्प्लॉयज रहेंगी, जो कि एमएसएमई लोन्स और इन सब के लिए आ सकती है, ठीक है। टिकट साइज यहाँ पर करीबन 12 लाख से 15-17 लाख रुपए तक रहेगी। और एक और चीज यहाँ पर, इसका स्टैट्स आपको जाना बहुत जरूरी है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है पिरामल फाइनेंस के? तो ये हो जाएंगे जयराम श्रीधरन, ठीक है, नाम लिख लीजिए इनका, जयराम श्रीधरन। और यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है पिरामल फाइनेंस का? मुंबई, ठीक है। तो वाई डिड पिरामल फाइनेंस ओपन इट्स ऑल वेमेन ब्रांच कॉल्ड मैत्रेयी? करेक्ट हो जाएगा पूरा, तीन ऑप्शन, राइट। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम फ्रॉम जुलाई 5 to 7। तो यहाँ पर 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में रहेगा, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम्स के ऊपर। इट ब्रिंग्स टुगेदर ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम साइंटिफिक पॉलिसी अकेडमी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू फॉस्टर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप क्या ध्यान रखेंगे, डेट सिक तो याद रखेंगे, और ये किस वजह से यहाँ पर रखा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। देखो क्या है इस कॉन्फ्रेंस में, बेसिकली इस्टेब्लिश करना कि ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम इकोसिस्टम हम कर सकें, ताकि जो ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। दूसरा कि एडवांस यहाँ पर रहे हमारी वैल्यू चेन जो रहेगी ग्रीन हाइड्रोजन की, जो कि स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन, इन सब के ऊपर काम करेगी। तीसरा कि यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है इकोसिस्टम में, उसको स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है।
चौथा जितने भी फाइनेंसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन सब के जो स्टार्टअप हैं उनको और अपस्किल करना, ठीक है, उनका और प्रमोशन करना, और पांचवा यहाँ पर कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करना, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहेगा। इसके यही बेनिफिट्स हैं और यही टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन तक जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 2030 तक यहाँ पर प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरा कि जो इलेक्ट्रोलाइजर है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसे और सिग्निफिकेंट किया जाए, और इसमें करीबन करीबन 6 लाख से भी ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करने की बात है, और इसका इन्वेस्टमेंट करीबन $100 बिलियन का रहेगा। तो काफी कुछ है, ऑब्जेक्टिव्स है इन सारे कॉन्फ्रेंसेस को लेकर, ठीक है। तो विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? तो करेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों वापस से रिपोर्ट और इंडेक्सेस और काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली अंक टाट का एक यहाँ पर क्या निकला है, रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें एफडीआई इनफ्लोस की बात की गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम आगे बढ़ते समय वीडियो में बात करेंगे कि कितना एफडीआई एफपीआई यहाँ पर हो रहा है, तो वही टाइम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो बेसिकली अंक टाट ने जो कि क्या है आपका एक रिपोर्ट यहाँ पर फाइंड की है जिसमें 662 बिलियन का जो 2022 से कंपेयर किया है एफडीआई फ्लोज यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक है। तो एशिया में सबसे ज्यादा जो एफडीआई इकोनॉमीज कर रहा है वो इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग और यूएई यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इंडिया का एफडीआई परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का जो एफडीआई परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर जो देश हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में, और यहाँ पर जितने भी डील्स हो रही है साउथ एशिया में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर इंडिया ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एफडीआई एफपीआई में है क्या डिफरेंस। तो देखो एफडीआई जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री में कर रहा है तो यहाँ इसका मतलब वो होता है कि वो वहां पर क्या करना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहा है, ठीक है, मतलब वहां पर बिजनेस करना चाह रहा है वो, राइट। और एफपीआई क्या होता है, एफपीआई होता है शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कमाने के लिए, राइट। तो अगर 10% और 10% से ऊपर होता है ना तो वो एफडीआई होता है, और 10% के नीचे जो होता है वो एफपीआई होता है, ठीक है, सिंपल बात है। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको ये इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। काफी सारे देशों का वैसे एफडीआई रिपोर्ट है जो कि आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो व्हाट वाज द टोटल एफडीआई इनफ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज इन 2022, दैट इज 662 बिलियन डॉलर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। आर्धव अर्जुना, इन्हें बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ टीएनबीए, दैट इज तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन। स्पोर्ट्स से निकलकर ये न्यूज आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर कुलविंदर सिंह गिल जो कि फॉर्मर प्लेयर हैं उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन का, ठीक है। तो दो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या याद रखोगे, सिर्फ इनके नाम याद रखोगे आप। तो डैश वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो डैट इज आधव अर्जुना, ठीक है, बस नाम याद रख लेना, इससे ज्यादा इस पर क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। स्टार्टअप 20 शिखर समिट गुरुग्राम में यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें इनोवेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग ये सब रहेगा, और यहाँ पर इंडिया ने हैंडओवर की है टॉर्च टू ब्राजील, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्टअप 20 की जो टॉर्च है वो यहाँ पर ब्राजील को हैंड ओवर की गई है, और ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। स्टार्टअप 20 काफी इंपॉर्टेंट है, G20 प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता है, और इसे बेसिकली कंक्लूड किया गया सक्सेसफुली गुरुगाम में, ठीक है। तो इंडिया हैंडेड ओवर टॉर्च ऑफ स्टार्टअप 20 टू विच कंट्री, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप ब्राजील, ठीक है। इससे रिलेटेड बाकी मैंने पहले भी अपने सेशंस में आपको न्यूज दी है, आप उसे वहां पर पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पॉइंट रहेगा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कौन है, तो ध्यान रखना इंडिया की कौन है, सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की। होम मिनिस्टर अमित शाह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुजरात, सॉरी कंट्रीज फर्स्ट कॉमरेटिव और फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन गुजरात, राइट। तो यहाँ पर कंट्री का पहला सैनिक स्कूल जो कि कोऑपरेटिव रहेगा वो गुजरात में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो उसकी नींव रखी गई है हमारे हाउस और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट सैनिक स्कूल ये रहेगा जिसको वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया टू ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट 75 करोड़ टू स्प्रेड ओवर 11 एकर्स ऑफ लैंड, द स्कूल इज बीइंग मैनेज्ड बाय दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन दुर्दा द एंटिटी ऑफ दूध सागर देयर, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी
फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल है और कहाँ पर है, तो देखो गुजरात में इसे एस्टेब्लिश किया गया है और इसका जो एकेडमिक ईयर रहेगा पहला वो 22-23 का रहेगा, जहाँ पर 50 स्टूडेंट को एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है, जिसमें से 46 बॉयज और 4 गर्ल्स यहाँ पर एनरोल की गई हैं अभी तक, है ना। यहाँ पर 10% जो सीट्स है वो रिजर्व की जाएगी गर्ल्स के लिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसे एक रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि सैनिक स्कूल स्टार्ट किए गए थे 1961 में, ठीक है, और ये पूरी तरह से सीबीएसई एफिलेटेड रहेगा और इसे जो कैडेट्स हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, तो करेक्ट हो जाएगा अमित शाह जी, जो कि क्या है हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने ना केवल करेंट अफेयर्स पढ़े बल्कि आपको ये भी बताया कि किस तरीके से स्टैटिक न्यूज को आप अपने साथ लेकर चलेंगे। तो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर होम सेक्शन में आपको मंडे टू सैटरडे करेंट अफेयर्स की सारी वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ शॉर्ट्स आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट किया जाएगा और लाइव कंटेंट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने मनचाहे एग्जाम और मनचाहे वीडियोस को फॉलो अप कर सकते हैं, मनचाहे सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी पेज पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जरूर विजिट करें, वहां पर आप हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लाइव क्लासेस का सारा डेटा मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज प्राइम मेंबरशिप के लिए आप 199 रुपीज का प्लान, जो कि 1 month के लिए, और रिकमेंडेड 599 रुपीज का प्लान 12 महीनों के लिए अवेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पर कनेक्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों हम IBPS, RRB, बैंक, रेलवे सभी की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं, वो भी अपडेटेड फॉर्म में। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।